जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे नवेली के बाबा, ऐसी खुशखबरी लाई हो कि आप खुशी के मारे नाच पड़ोगे। अरे तो फिर जल्दी बताना, यहाँ भी रिश्वत देनी पड़ेगी क्या? वो कमीना बेग है ना, अपने पूरे परिवार के साथ खत्म हो गया। अरे उन भगोड़ों की गाड़ी खाई से बुरी हालत में बरामद हुई है। अरे पुलिस वाले खाई से निकाल कर वो गाड़ी लेके आए हैं। अरे आइए ना बाहर आइए। बाबा, इतने अरसे बाद आई हो, अपने बाबा के गले नहीं लगोगी? खुदा तुम्हें हमेशा कामयाब बनाए। अरे वाचा है, जीनत का शरारा पहनकर हूबहू उसकी परछाई लग रही है। मेरे सालों का ख्वाब आज इस लक्कड़ पर सजी लिखावट में है। मेरे बेटी के नाम के आगे लिखा हुआ ये डॉक्टर, डॉक्टर चाहत बेग। ऐसा नहीं हो सकता, बाबा को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर वो हुनर और काबिलियत है जिनसे तुम दर्दमंदों को तकलीफ से निजात दिला सको। भोलेनाथ के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आखिर सरस्वती की आत्मा को न्याय मिल ही गया। हाँ। आज तो दोहरी खुशी का दिन है, हमारी छोटी सरस्वती भी तो आज घर आ गई। दूजों का प्रकाश छीनने वालों को अंधेरा एक न एक दिन निकल ही जाता है। बहुत ही भयंकर मौत मिली है इस हत्यारे को, कि इन वादियों में इनकी आत्मा है, सदैव मोक्ष की तीस में भटकती रहेगी। अरे ये खबर तो सबसे पहले हमें नीलकंठ को देनी चाहिए। हाँ, कहाँ है नीलकंठ? अरे अरे क्या हो गया नैनी को? नहीं, ये खबर सुन के भी कोई बेहोश हो सकता है? ये तो खुशी की बात है। कैसे खुश होती बेचारी? कल से इसने व्रत रखा है कि हमें बेग जल्द से जल्द मिले, ताकि अपने हाथों से उसकी जान लेकर भक्स की मौत का बदला ले सके। लेकिन इतनी आसानी से मौत मिलेगी उस कमीने को, तो हमने कभी सोचा नहीं था। और व्रत रखने के कारण बेचारी कमजोर होगी और चक्कर आ गए इसे। सुन सुन बच्चे, अपनी बुआरी को भी अंदर ले जा, बेचारी सारा दिन हम लोगों के बारे में सोचती रहती है। मामा जी, मैं चाहता हूँ चाहत को खुश कैसे रखना है? आखिर रावण का वध हुआ है, इस आंगन में दिवाली तो मनाई जानी चाहिए, क्यों? हाँ नील भाई जी, ग्रेट आइडिया। आप सब तैयारी शुरू कीजिए, मैं चाहत को देखता हूँ।
वो कमीना बैग है ना, अपने पूरे परिवार के साथ खत्म हो गया। अरे उन भगोड़ों की गाड़ी खाई से बुरी हालत में बरामद हुई है। सच था, कोई ख्वाब नहीं, मेरे बाबा। बहुत होंगे आज आप यहाँ खड़े हो, कितना तमाशा क्या देख रहे हैं आप। प्लीज यहाँ से चले जाइए, अपने बाबा के गम में अकेले आंसू तो बहा ही सकती हूँ ना मैं। अपनी बाप की मौत का मातम मनाने से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारे लिए सरप्राइज है। चार यहां अकेले बैठ के रो ही रही हो तुम? तुम्हारे बाप की मौत के मातम को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने बाहर बहुत सारी अरेंजमेंट्स की हैं। चलो सेलिब्रेट करते हैं। आओ चाहत, सब इतनी खुशी से तुम्हारे बाप की मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नई बहू आ गई। अरे आ गई हमारी नई बहू। बेटा नील ने हमें बोली कि कैसे तूने उस बेग को सजा दिलाने के लिए व्रत रखा। देख भोलेनाथ ने तेरे व्रत की लाज रख ली। दर्दनाक मौत मरा कमीना। तुम जानती हो चाहत, सब तुम्हारी व्रत वाली बात से बहुत खुश है, और सब ये भी जानते हैं कि जब से तुम घर आई हो भक्स की बात सुनकर तुम बहुत उदास हो। जानती हो ये सेलिब्रेशन का आइडिया किसने दिया? इसका आइडिया मेरा ही था, ताकि मैं तुम्हें चेयर अप कर सकूं। हाँ चाहत, मेरी बहन भक्स को फाइनली आज इंसाफ मिला, उसकी आत्मा को शांति मिली है, तो चलो लेट्स सेलिब्रेट। चाहत प्लीज आज तो मेरी बहन के लिए आंसू मत बहाओ। आओ चाहत, आओ आओ आओ, वहां देखो, यहां देखो, तुम्हारे बाबा की गाड़ी। कितने खुश है ना सब। इस कदर कोई Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।